वन पीस का किसने नाम नहीं सुना है? लोग देखे नहीं होंगे इस एनिमे को, पर इसका नाम जरूर सुने होंगे। तो मैंने वन पीस को स्टार्ट कर दिया है और मैंने वन पीस के 200 एपिसोड्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। और मैं अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा कि मुझे 200 एपिसोड्स कैसे लगे, और मैं आपको ये भी बताऊंगा इन 200 एपिसोड्स में आपको कौन कौन से एपिसोड्स स्किप करने हैं। अगर आप वन पीस स्टार्ट करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि वन पीस कितना बड़ा है और ये अभी तक चल रहा है, ऑनगोइंग है, और ये दुनिया का सबसे लंबा एनिमे है और इस पे बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, ये सब आप जानते हो, है ना। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वन पीस के 200 एपिसोड मुझे कैसे लगे, तो पॉइंट पे बात करता हूँ। तो जब मैंने 1 और 2 एपिसोड देखा और जब मैंने गोल्डी रॉजर का नाम सुना कि वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट है, यानी किंग ऑफ द पायरेट है, और उसके पास एक खजाना है जो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है जिसका नाम वन पीस है। गोल्डी रॉजर को मौत की सजा दी जा रही होती है, लोगों के सामने गवर्नमेंट दे रही होती है क्योंकि वो पायरेट है, और मौत की सजा इसलिए दे रही होती है क्योंकि पायरेट्स पे बाउंटीज लगती हैं। गोल्डी रॉजर की बाउंटी कितनी थी मुझे पता नहीं, पर मुझे ये पता है कि वो उसकी सबसे ज्यादा बाउंटी थी पूरे दुनिया में, इसीलिए गवर्नमेंट ने जब उसे पकड़ा तो उसे सीधे मौत की सजा सुना दी। और मरने से पहले गोल्डी रॉजर दुनिया को कहता है कि जो उसका वन पीस खजाना ढूंढेगा वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट बन जाएगा, यानी किंग ऑफ द पायरेट बन जाएगा। तो गोल्डी रॉजर के मरने के बाद पायरेट्स का न्यू एरा शुरू होता है, जहाँ पे दुनिया के कई सारे पायरेट्स वन पीस की खोज में लग जाते हैं, और हमारी कहानी शुरू होती है लूफी से, मंकी डी लूफी से, जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, और उसका बहुत बड़ा गोल है कि वो किंग ऑफ द पायरेट बने। और वन पीस को ढूंढने के सफर में वो निकल पड़ता है, क्रू मेंबर्स ढूंढता है, भाई वो पायरेट है, उसको शिप चाहिए, उसको क्रू मेंबर्स चाहिए, और पूरे समुद्र में घूमेगा वो। तो देखो, जब मैंने पहले और दूसरे एपिसोड में पायरेट्स का नाम सुना ना, तो सीधे मेरे को जैक स्पैरो की याद आ गई। भाई जॉनी डेप का वो कैरेक्टर जैक स्पैरो, आज तक सिर्फ दुनिया में एक ही पायलट को जाना था, जैक स्पैरो को। अब तुम जैक स्पैरो की कहानी को इंटू 1000 कर दो और उसको इतना खींच दो, इतना खींच दो, उसमें गॉड्स डाल दो, इतने ताकतवर पायरेट्स डाल दो, सब डाल दो, जितना तुम डाल सकते हो, जितना मिर्च मसाला डाल सकते हो, एक्शन ऑक्शन सब डाल सकते हो, डाल दो उसमें, तुमको रिजल्ट में क्या मिलेगा? वन पीस। अब स्टार्टिंग में लूफी हमारा एक बैरल में आता है समुद्र में, वो बैरल में घुसा हुआ घूमता रहता है और फिर एंट्री लेता है। मुझे उस सीन की याद आ गई जब जैक स्पैरो एक डूबती हुई बोट में आता है और पहली बार एंट्री लेता है। तो देखो, पहला और दूसरा एपिसोड बढ़िया था, जोरो का इंट्रोडक्शन भी बढ़िया था। तो मैं सबसे बढ़िया बताऊं, जब मेरा इंटरेस्ट एकदम बढ़ गया इस एनिमे को देखने का, वो था जोरो और मिहॉक की फाइट। आप लोग जब इस एनिमे को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन है जोरो और कौन है मिहॉक। 30 या 35 एपिसोड तक तो देखना ही पड़ेगा, तब पता चलेगा। जोरो तो स्टार्टिंग में पता चल जाएगा कौन है। 200 एपिसोड तक जो मैंने आर्क्स देखे हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगे, जैसे कि आर्लॉन्ग द पार्क, द फिशमैन आइलैंड वाला आर्क जिसमें नामी का बहुत बड़ा रोल है। आप जब एनिमे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। और अभी तक का मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर लूफी है और जोरो है। अब चलिए बात करते हैं आपको कौन कौन से एपिसोड्स एस्केप करने हैं। ये पूरा एक आर्क है जो आपको एस्केप करना है, वो है G8 आर्क, 196 एपिसोड से 206 एपिसोड तक। कुछ इम्पैक्ट नहीं डालता स्टोरी में, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, मेरी मानो तो स्किप मत करो, क्योंकि कुछ भी हो देखने मज़ा आएगा। G8 आर्क, वन पीस अभी तक अच्छा ही चल रहा है, 200 एपिसोड देख के इतना बोल सकता हूँ। मेरे दोस्त लोग मुझे चूतिया बोलते हैं क्योंकि मैं 200 एपिसोड्स में इतना खुश हो गया हूँ। बोलते हैं मुझे कि आगे के एपिसोड में तो बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। अभी कुछ ऐसे आर्क्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जैसे मरीन फोर्ड आर्क। मैंने एक भी स्पॉइलर नहीं लिया है इस आर्क के ऊपर, पर मुझे देखना है इसलिए जल्दी मुझे कंप्लीट करना है वन पीस। पक्का मैं फेल हो जाऊँगा क्योंकि पेपर भी आने वाले हैं और मैं वन पीस देख रहा हूँ, पर क्या करूँ यार, लत लग गई है एनिमे देखने की। पर हो गया, टाइम निकाल लेंगे और वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें फिक्शनल एड यूट्यूब चैनल को, वन पीस की बहुत सारी वीडियोस आएंगी और आप जो कमेंट करेंगे मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा।